नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के लगभग 5 चरण समाप्त हो चुके हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियां काफी मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रैली को संबोधित कर रही है। यह रैली इतनी विशाल रैली है कि इतिहास की सबसे बड़ी रैली है हिमाचल प्रदेश में, जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आना उनके लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। उनका हिमाचल प्रदेश से एक पुराना ही नाता है। आइए देखते हैं दोस्तों। मेरे लिए ना नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। पार्टी की मीटिंगें लेता था, सबको समझाता था। मुझे लगता है शायद यहां के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर शायद इससे दोगुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब सिरमौर आए तो हमारे स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, उनके घर में हमारी बैठकें हुआ करती थी, हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, हमारे जगत सिंह नेगी जी, ढेर सारे कार्यकर्ताओं की याद, अनेक अच्छे अनुभव मेरे लिए एक प्रकार से यादों की अमानत है। और सभी के घरों से अस्कली, पटांदे, और सिड़कू और यहां एक होटल ब्लैक मैंगो हुआ करता था। होटल ब्लैक मैंगो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठकें ज्यादातर वहीं पर हुआ करती थी। और जब देश मोदी को जानता नहीं था तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नमस्कार।